हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर इंपॉर्टेंट हमें गद्यांश और पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो बता दीजिए, साथ में हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे गद्यांश पद्यांश ताकि हमें फुल में फुल मार्क्स मिले, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का गद्यांश आता है, 6 मार्क्स का पद्यांश आता है, यानी कि 12 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, 12 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये क्लास 10 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है और जितने भी हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश है वो इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। आपको गद्यांश पद्यांश का टेंशन बिल्कुल से ही खत्म कर देना है। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे तब आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा। जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। अब देखो सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश में जो होता है ना कई सारे ट्रिक्स होते हैं। ट्रिक का मतलब क्या है कि आपके गद्यांश में जो चैप्टर का नाम है वो जरूर लिखा रहता है, पद्यांश में भी। पद्यांश में जब आप सूरदास के चैप्टर में जाओगे तो सूरदास जी हर एक पद्यांश में लिखा हुआ है, तुलसीदास जी के हर एक तुलसीदास पद्यांश में लिखा हुआ है। तो आप पहले हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ के और उसमें से ट्रिक ढूंढ लो। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा और जब आप वो ढूंढ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, और एक और खुशखबरी है, मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पूरे चैप्टर जितने भी आपके हिंदी के गद्यांश पद्यांश में पार्ट हैं और उनके लेखक का ट्रिक बस 5 अक्षर का है, यानी कि 10 अक्षर आपका ज्यादा से ज्यादा है, वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग इस लिए वीडियो को लाइक करना, इस ट्रिक को मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके एक महीने मेहनत करके बनाया है, मैं आप लोगों के लिए कई सारे ट्रिक्स भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब भी बताऊंगा। अब ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए माय डियर स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट गद्यांश है, मतलब 5-स्टार क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले जो कुसंग होता है ध्यान से पढ़ो, पहले आप जब इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे, अगर नहीं आता तो, अगर आता है तो आप एक बार पढ़ो फिर आंसर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी और जो उसे निरंतर दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर आपका संगति अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं तो आप उन्नति करोगे, अगर आपके दोस्त बुरे हैं ठीक है तो आप दिन प्रतिदिन औन्नति का मतलब होता है नीचे औन्नति, ठीक है, औन्नति के गड्ढे में जाओगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें जो मेन चीज है वो यहां से यहां तक अंडरलाइन है, अंडरलाइन का मतलब रेखांकित अंश है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, मेन चीज है इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपका पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम है संदर्भ के लिए, रेखांकित अंश को 2-3 बार पढ़ लेना व्याख्या के लिए, और एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है बस, यानी कि आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, मतलब 6 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, पहले आप देखो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो आपका गद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। खा है यानी कि बा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है। सा क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, जो युवा पुरुष है उसकी संगत के बारे में क्या कहा गया है। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाएगा, 2 क्वेश्चन करोगे 4 नंबर, और अगर आप 3 के 3 कर लोगे तो 6 में 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इसका गद्यांश का संदर्भ क्या है। तो पाठ का नाम सभी को पता चल गया ना, मतलब संगति, संगत का मतलब मित्र, मित्र का मतलब मित्रता पाठ से, और मित्रता पाठ आपका पहले चैप्टर के राइटर कौन है सभी स्टूडेंट को पता होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो चलो लिखते हैं। अब मेन चीज है आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप हेडिंग डालो संदर्भ, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी उसमें भी आप ब्लैक पेन से संदर्भ हेडिंग डालना। ठीक है, स्केल की सहायता से आप लोग अंडरलाइन करना। ठीक है, स्केल की सहायता से।
अब देखो लिखना कैसे है, मेन तो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो जो प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण, ठीक है। इसके जो राइटर हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, शुक्ल द्वारा लिखित, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक देखो जो चीज मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ठीक है, उसको आपको ब्लैक से ही लिखना है। एक एक पॉइंट याद रखना, जब तक आप उसमें कुछ अलग नहीं करोगे, हाईलाइट नहीं करोगे, तब तक आपको एग्जामिनेंट नंबर क्यों देगा फुल में फुल, ठीक है। के गद्य खंड, ये कौन सा खंड है, गद्य खंड है, ठीक है, गद्य खंड में संकलित, और इस चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता, क्या है, मित्रता, ठीक है, मित्रता, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। देखो ये कॉमन है, ये हर एक आप चैप्टर में लिख सकते हो, जैसे प्रस्तुत गद्य अवतरण, अगर आपका जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता पाठ से लिया गया है, बस इतना केवल चेंज करना है, जो ये है ना, इसका पाठ का नाम और लेखक का नाम केवल चेंज करना है, ठीक है। और एक काम करना, पाठ के नीचे आप ऐसे छोटा सा अंडरलाइन दे देना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, मतलब बिल्कुल सीधी अंडरलाइन, तो ऐसा होगा ना कि, और यहां लेखक और पाठ के नीचे अंडरलाइन कर लेना, इससे बहुत अच्छा आपका लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, माइडियर स्टूडेंट, संदर्भ। अब हमें करना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश हमारा यहां से यहां तक है, ठीक है, तो चलो हम लोग इसको भी करते हैं। पहले इसको पढ़ लो एक बार। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। तो आओ इसको भी करते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहले आप डालो यहां रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहां रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक है। जितनी भी बुरी संगत वाले लोग हैं वो घातक बुखार के समान हानिकारक हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब आपकी बुद्धि नष्ट कर देगा तो आगे कुछ कर नहीं पाओगे, बड़ा सोच नहीं पाओगे, वहीं सीमित रह जाओगे, अपना सब कुछ बेचकर खा जाओगे, ठीक है। तो ये सब होता है बुरी संगत का असर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उसने आज इतना बेच दिया और खा लिया, फिर बेच दिया खा लिया, यही करते हैं। युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, तो युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, युवा पुरुष, देखो युवा पुरुष की बुरी संगति उसे औनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। बस दो नंबर इसका मिल जाएगा, छह नंबर का ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश मैंने लिया भी है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पद्यांश, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने गद्यांश को देखा, अब पद्यांश को भी देखना जरूरी है ना, क्योंकि पद्यांश भी उतने ही नंबर का आता है जितने नंबर का हमारा गद्यांश आता है, ठीक है, तो कोई किसी से कम नहीं है। तो आओ हम लोग देखते हैं। देखो पद्यांश में आपका मैंने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है माय डियर स्टूडेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है। देखो लिखा है, बढ़त बढ़त संपत सलीलु मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सूना फिर घटे वर समूल कुमिलाए, ठीक है। अब ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो
बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो हमारे कवि हैं और इसका पाठ का नाम क्या है, ये आपको लिखना है। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें कैसा लिखना है। ये हमारा सबसे पहले तीन क्वेश्चन है, सभी देख लो। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो और हिंदी में व्याख्या करो। कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है? संपत्ति शैली में कौन सा अलंकार है, संपत्ति शैली में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें आपका पाठ का नाम क्या है, बिहारी लाल इसके रचयिता है और पाठ का नाम है नीति, ठीक है। भक्ति नीति पाठ है, लेकिन नीति अलग शीर्षक है, भक्ति अलग शीर्षक है। तो यहां सबसे पहले देखो, प्रस्तुत दोहा कविवर, और इसके जो कवि हैं वो बिहारी लाल। देखो इसको आप ब्लैक से लिखना, पाठ का नाम और रचयिता या लेखक कवि, ये सब आप ब्लैक से लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि संदर्भ में मेन यही होता है, द्वारा रचित। अब इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है विहारी सतसई, ठीक है। विहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक अब हिंदी है ना, तो हिंदी जो चीज मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ वो ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट, ब्लैक से ही लिखना, क्योंकि हमें अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। विहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब ये क्या है, काव्य खंड है, गद्य खंड या पद्य खंड या काव्य खंड कह सकते हो, पद्य खंड भी कह सकते हो, ठीक है। काव्य खंड में संकलित नीति क्या है, नीति, ठीक है, भक्ति अलग है, नीति अलग है, शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब देखो प्रसंग भी लिखना है इसमें, क्या है प्रसंग, जो है प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसी में, पहले क्वेश्चन में व्याख्या भी है, तो पहले ध्यान से पढ़ लो। बढ़त बढ़ते संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटे वर्ष मूल को मिलाए। जब आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, देखो कवि कहना क्या चाहता है। कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। जब पानी बढ़ जाता है तो कमल भी बड़ा हो जाता है, जब पानी कम हो जाता है तो कमल छोटा नहीं हो जाता। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने पर मन की इच्छाएं नहीं घटनी। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो आपका मन भी बढ़ जाएगा, जो खर्चा आप 100 रुपए करते थे वो आप 1,000, 2,000, 5,000 करोगे, ठीक है। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, और बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो भले ही आपके पास पैसे ज्यादा हों, बट खर्चा आप लिमिट में करो, ताकि जैसे थे वैसा ही रहो, डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है, ये समझो। अब आ जाओ इसमें भी हमारे भैया दो क्वेश्चन है। पहला, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, और दूसरा, संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। तो ये भी समझ लेते हैं, पहला है, दूसरा क्वेश्चन, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन न रहने पर बहुत कष्ट होता है। और तीसरा, संपत्ति शैली में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण दो बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो क्लास हिंदी के लिए, महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये गद्यांश पद्यांश आप तैयार कर लो, और ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी। आप लोग ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से सबसे पहले आप वहां प्रश्नोत्तर संख्या डालना, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो। देखो खंडवा में तो ये आप लोगों का पहला प्रश्नोत्तर संख्या होता है, तो आप लोग पहला प्रश्नोत्तर संख्या डालना, पहला, ठीक है। अब इसको आप लोग स्किल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना ब्लैक स्केच की सहायता से, फिर आप लोगों को गद्यांश सॉल्व करना है, फिर आप लोग नीचे अच्छे से संदर्भ हेडिंग डालो और आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही गद्यांश को सॉल्व करना है। पहले आप संदर्भ लिखो, फिर आप व्याख्या हेडिंग डालो, व्याख्या लिखो, फिर और बस ऐसे आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो भी रहेगा वो लिख देना। तीन क्वेश्चन आपके 6 में 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं, ठीक है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर करना। चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।